What is this? IELTS or IELTS? Well, this is IELTS. जब कोई आपके सामने IELTS एग्जाम की बात करता है या IELTS ट्यूटर होने की बात करता है तो क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सब है क्या? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी What is IELTS exam? Who should appear for IELTS exam? Why is it needed? And what is the format of IELTS exam in Hindi? So be with me, my name is Srilekha and you're watching Love to Learn. IELTS का full form होता है International English Language Testing System. IELTS exam देना तब जरूरी होता है जब आप काम के लिए या फिर पढ़ाई के लिए किसी English speaking countries जैसे कि UK, Canada, US वगैरह में shift होना चाहते हो। लगभग सारी European countries आपकी English proficiency को test करती हैं इससे पहले कि आप वहाँ shift हो, ये देखने के लिए कि आपके इंग्लिश का लेवल इस तरह का है कि आप वहाँ सर्वाइव कर पाए। लगभग 25 सालों से 40 देशों में 10,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस IELTS के एग्जाम स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। IELTS एग्जाम दो तरह का होता है, IELTS एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। IELTS एकेडमिक वो लोग चूज करते हैं जिन्हें हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना होता है या फिर वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, जबकि जनरल ट्रेनिंग वो लोग चूज करते हैं जिन्हें काम या पढ़ाई की ट्रेनिंग करनी से रिलेटेड ट्रेनिंग करनी होती है या फिर जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में बसना चाहते हैं। वैसे मैं खुद भी IELTS की क्लासेस लेती हूँ तो मैंने कुछ लोगों को देखा है वो सिर्फ अपने इंग्लिश लेवल को टेस्ट करने के लिए भी इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। इस एग्जाम का स्कोर 2 साल तक वैलिड होता है। इसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 16,000 है और कोविड के बाद से ये आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। अगर आप इसे ऑफलाइन लेना चाहते हो तो लगभग सारे मेजर कंट्रीज में इनके टेस्ट सेंटर्स मौजूद होते हैं तो आप वहां जाकर और डिटेल्स ले सकते हो। वैसे तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि IELTS कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, लेकिन जनरली ये रिकमेंडेड होता है कि आपकी एज 16 एंड अबव होना चाहिए अगर आप IELTS एग्जाम देना चाहते हैं और आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। IELTS के एग्जाम में जो पैटर्न होता है वो 4 भागों में होता है, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया IELTS के दो प्रकार होते हैं, जनरल ट्रेनिंग और IELTS एकेडमिक। IELTS एकेडमिक और IELTS जनरल ट्रेनिंग में लिसनिंग और स्पीकिंग पार्ट सेम होता है और रीडिंग और राइटिंग पार्ट डिफरेंट होता है। आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर और डिटेल्स देख सकते हैं। इस एग्जाम के स्कोर को बैंड स्केल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है 0 to 9। अगर 9 है तो बहुत अच्छा और 0 है तो आपने एग्जाम नहीं दिया है। आगे मैं अपने चैनल पर इसी तरह के एग्जाम्स के बारे में और जानकारी आपसे शेयर करूंगी। हाल ही मैंने भी एक कोर्स किया है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। मुझे अपनी राय इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा ताकि मैं आगे जो वीडियो शूट करना है उसके लिए एनकरेज हो सकूं। अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली इस तरह के और वीडियोज लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।